नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। संपूर्ण राज्याचं लक्ष ज्या बैठकीकडे लागलेलं होतं ती मंत्रालयातली बैठक नुकतीच संपलेली आहे। सध्या तरी लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलेला नाही, मात्र निर्बंध आता आणखी कठोर करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे। मंत्रालयातल्या या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सोपवला जाईल, त्यामुळे मुख्यमंत्री नेमक्या कोणत्या निर्बंधांना हिरवा कंदील दाखवतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। आजच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते। राज्यातले निर्बंध कठोर होणार आहेत हे सध्या समजतं आहे। राज्यात तुर्तास लॉकडाऊन लागणार नाही हे मात्र आता या बैठकीनंतर समोर येताना दिसत आहे। याच संदर्भातली अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। अमित राय आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या फोनलाईनवर। अमित, ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दों के बारे में निर्णय लिया गया है? उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस बारे में कोई जानकारी दी है क्या? देखिए, इस बैठक में अजीत पवार, राजेश टोपे, सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी थे वो मौजूद थे और टास्क फोर्स के लोग मौजूद थे। शुरुआत ये हुई कि क्या लॉकडाउन लगाया जाए, फुल लॉकडाउन या मिनी लॉकडाउन। तो लॉकडाउन को लेकर जो है सहमति नहीं जताई गई, कहना है कि लॉकडाउन अभी नहीं लगाया जाएगा। वहीं टास्क फोर्स ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में आज जो है 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ सकते हैं, जो एक चिंता का विषय है। तो जो टास्क फोर्स ने सलाह ये दी कि कई बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने की जो है जरूरत है ताकि ये कोरोना केसेस नहीं बढ़े। तो वो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से होंगे और मीटिंग में जो आज सारी निर्णय लिया गया, ये पूरा निर्णय सीएम उद्धव ठाकरे को बताया जाएगा। उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे आखिरकार किन किन चीजों में निर्णय लगाया जाएगा। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में उमड़ने वाली भीड़ को कैसे कम किया जा सकता है, उस पर एक गाइडलाइन आ सकती है। साथ ही धार्मिक स्थलों, सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को कम करने को लेकर भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों में कोरोना केसेस का मामला 9,000 से बढ़कर 18,000 आ गया। कल हमने देखा कि 18,000 के ऊपर मामले आए महाराष्ट्र में, वहीं मुंबई में 10,000 से ऊपर मामले आए, और वहीं एक दिन में यानी 24 घंटे में 75 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए और 650 से ऊपर आंकड़ा हो गया है ओमिक्रॉन का। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और यही सरकार की चिंता बढ़ गई कैसे इसे जो है रोका जाए। तो लॉकडाउन पर सहमति नहीं है, लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बताई इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अंतिम फैसला जो है सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे। बिल्कुल अमित, जो बीते कई दिनों से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं राज्य में, मुंबई में खासतौर पर, उसको मद्देनजर रखते हुए कोविड टास्क फोर्स ने कोई विशेष सुझाव इस बैठक में दिए हैं क्या? उसके मद्देनजर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं क्या? निर्णय होने की संभावना है क्या? देखिए, कोविड टास्क फोर्स ने कुछ चीजों को जो है चिन्हित किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ चीजें जो अभी खुली हैं उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को लेकर जो है हुआ कि जो पहले सिस्टम बनाया गया था कि वर्क फ्रॉम होम जिसको करना चाहिए उसको वर्क फ्रॉम होम में कर देना चाहिए ताकि ऑफिस में कर्मचारियों की भीड़ जो है कम हो सके, इस पर जो है चर्चा हुई। उसके अलावा चर्चा ये हुई कि लोकल ट्रेन को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि लोकल ट्रेन में भीड़ जो है पहले की तरह ही आ गई, क्योंकि सभी लोगों ने लगभग जो है 2 डोसेज लगवा लिए हैं जिनको ट्रेन में अनुमति जो है मिल चुकी है। तो उसको लेकर भी विस्तृत रूप से जो चर्चा हुई। उसके अलावा जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी लगातार जो भीड़ बढ़ रही, और मॉल में, मंदिर में जो है यहाँ पर भी भीड़ ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों कई सारे विजुअल जो है हमारे सामने आए थे कि किस तरह से जो है मॉल में जो भीड़ है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने भी कई मॉल का जाके जायजा लिया था, तो वहां पे कई जगह भीड़ दिखाई दी थी। तो ये वो कुछ जगहों को जो है टास्क फोर्स ने चिन्हित किया है आज की बैठक में कि भीड़ ज्यादा हो रही है और इसे कम करने के लिए कोई कड़े उपाय योजना लाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। कल भी हमने देखा था कि विजय वरट्टीवार जो कैबिनेट मंत्री है उनका भी एक बयान सामने आया था कि कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन लॉकडाउन पे चर्चा अभी नहीं है। मेयर ने भी कल इसी चीज को जो है कहा था। तो इन जो चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ रही है, चाहे मॉल की बात की जाए, यहाँ पे
दफ्तरों में बात की जाए, होटल रेस्टोरेंट में बात की जाए, तो इन सारी जगहों को आज टास्क फोर्स ने चिन्हित किया है कि अगर यहाँ भीड़ कम नहीं हुई, जो भीड़ उमड़ रही है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो आगे चलकर बद से बदतर हो सकती है। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है और इन्हीं जगहों पर कड़े प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। अमित राय होते आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत, आणि त्यांनी या बैठकीमध्ये नेमकं कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, काय नेमके निर्णय घेतले जाऊ शकतात, या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांकडे नेमके कोणते निर्बंधांबद्दल शिफारस करायची याबद्दल चर्चा झालेली आहे, आणि लॉकडाऊन तुर्तास लागणार नसला तरी निर्बंध मात्र कठोर होणार आहेत, इतकं मात्र या बैठकीच्या अनुषंगाने समोर येताना दिसत आहे। मनोज कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी देखील आपल्या सोबत आहेत सध्या। मनोज, या बैठकीमध्ये राज्यात तुर्तास लॉकडाऊन लागणार नाही हे तरी सध्या निश्चित झालेलं असलं तरी निर्बंध नेमके कसे असतील, कठोर जर निर्बंध केले गेले तर त्याचं स्वरूप नेमकं कसं असेल, या सगळ्याबाबत उत्सुकता आहे, काय नेमकं मनोज या सगळ्याबद्दल सांगताय? अगदी बरोबर आहे अजिंठा, गेल्या काही दिवसामध्ये मुंबई असेल, महाराष्ट्र असेल, तर नवे देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे। नवीन जो व्हेरियंट आलेला आहे ओमिक्रॉन, या ओमिक्रॉनचे सुद्धा जे रुग्ण आहेत ते सुद्धा आढळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे। परंतु गेल्या काही दिवसातली जी रुग्णसंख्या आहे ती वाढीस लागल्यामुळे कुठेतरी सरकार जे आहे ते चिंतेत आहे, प्रशासन चिंतेत आहे, आणि कुठेतरी या हे लोक जी नागरिक आहेत ते जे कोरोनाचे मार्गदर्शक तत्व आहेत त्याचं पालन करत नसल्याचं पाहायला मिळतं आहे। मग कुठे सणवार असतील, नव वर्षाचं स्वागत असेल, लग्न समारंभ असतील किंवा राजकीय नेत्यांच्या सभा असतील, मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे। परंतु तो जरी काळ गेलेला असला, ते दिवस गेलेले असले, परंतु आता मात्र कुठेतरी हुशारीनं राहिलं पाहिजे, यासाठी सरकार आता कठोर निर्बंध लादण्याची शक्यता आहे। यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रात्रीच्या वेळी पूर्णतः संचारबंदी लागू शकते। रात्री 9 वाजता असतील किंवा 7 नंतर असेल अशा प्रकारची ती संचारबंदी असू शकते। त्याचबरोबर दिवसासुद्धा काही जे निर्बंध असू शकतात, सकाळी 7 ते 9 पर्यंत फक्त अत्यावश्यक सेवेतले कर्मचारी असतील किंवा ज्या सेवा देणारे असतील त्यांच्यासाठी, दुपारी 11 ते 5 पर्यंत पुन्हा निर्बंध आणि 5 ते 7 अशा प्रकारचे हे निर्बंध असण्याची शक्यता आहे। त्याचबरोबर जे कामावर जाणारे लोक आहेत त्यांना वर्क फ्रॉम होमची पुन्हा एकदा जे आहे ते करावं लागू शकते। ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या होऊ शकतात, कारण मुंबई असो किंवा महाराष्ट्र असो, रोज या ठिकाणी मुंबईत 8 ते 9 हजार, त्याचबरोबर महाराष्ट्रात सुद्धा 15 हजाराच्या वर रुग्ण निघत आहेत, आणि देशभराची तर काल तर 30 हजाराच्या वर हा सगळा आकडा गेला होता। कुठेतरी केंद्रीय मंत्री असेल जो टास्क फोर्स आहे तो सुद्धा चिंतेत आहे, आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये ही संख्या वाढू नये, पुन्हा एकदा लॉकडाऊन होऊ नये, या सगळ्या याच्यासाठी म्हणूनच मग आता कठोर निर्बंध अशा प्रकारचे लागू शकतात। ज्या बसेस आहेत, ट्रेन आहेत, त्यामध्ये सुद्धा 50% प्रवासी जाऊ शकतील, रिक्षा टॅक्सी असतील त्यामध्ये एकच प्रवासी जाऊ शकेल, अशा प्रकारचे हे निर्बंध असू शकतात। परंतु जनतेने सुद्धा या निर्बंधाचं पालन करणं, कोरोना नियमांचं पालन करणं, या सगळ्या कोरोना प्रतिबंधक नियमांचं पालन केलं तर कदाचित लॉकडाऊनची वेळ येणार सुद्धा नाही। मनोज, धन्यवाद, सविस्तर माहिती आपण दिली त्याबद्दल।